हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो अभी अभी असम और मिज़ोरम में बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं और कुछ लोगों की इसमें डेथ भी हुई है। तो पता नहीं क्या हुआ है, मतलब असम और मिज़ोरम के लोगों के बीच ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि मामला इतना बढ़ गया कि क्लैशेस हो गई और फिर कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। तो जानते हैं क्या पूरा मामला, फिर इस पर जो है करेंगे बात। और पहले जो फटाफट वीडियो भी देख लेते हैं कि क्या है कोई वीडियो। नाउ ऐसा था वीडियो 1 2। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। पिछले कुछ दिनों से असम और मिजोरम राज्य के बॉर्डर को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। वहाँ पर हिंसा भी हुई है, आगजनी की भी कुछ घटनाएं हुई है। तो इन सभी घटनाओं के पीछे कारण क्या है, असम मिजोरम का बॉर्डर डिस्प्यूटेड क्यों है, इसके पीछे का इतिहास मैं आपको बताऊँगा और साथ ही साथ इस पूरे क्लैश की जो ओवरऑल रीजंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल अगर कोई पर फॉलो कर आईएएस की सकते तैयारी हैं कर रहा है तो और मेरे फॉलो कर सभी लो। लेक्चर्स के बहुत पीडीएफ आपको मेरे अच्छे इंसान टेलीग्राम है चैनल और पर बहुत डाउनलोड करने को मिल पॉजिटिव जाएंगे। इंसान यू हैव टू सर्च महिपाल राठौड़ ऑन टेलीग्राम एज वेल। स्टडी आईक्यू नवरात्र के उपलक्ष्य में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लेकर आया है, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन ऑल आर कोर्सेज। तो यूपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स की मदद से आप इस तैयारी को कर सकते हैं और इस कोर्स पर अभी 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप यूज़ करते हैं कोड नवरात्रि 5। याद रखिए ये डिस्काउंट केवल 26 अक्टूबर तक वैलिड है। 9 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को असम और मिजोरम राज्य के बॉर्डर पर कुछ हिंसक झड़प हुई थी। उसमें कई झोपड़ियों को आग लगा दी गई, आगजनी हुई, वायलेंस हुआ और इन क्लैशेस के क्यों? बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को इंटरवीन करना पड़ा। गृह मंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करी है, यानी कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम थंगा। इन दोनों से बातचीत करी गई और अब शांति बहाली करी गई है। लेकिन ये जो क्लैशेस हैं इसमें 4 लोग सीरियसली इंजर हो चुके हैं, एक व्यक्ति बहुत सीरियसली इंजर है और 4 लोग भी इंजर हो चुके हैं और ये भारत के 2 राज्यों के बीच का बॉर्डर है। तो ये अपने आप में एक बहुत सीरियस मुद्दा बन जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार असम और मिजोरम के राज्य के बॉर्डर को लेकर कोई डिस्प्यूट हुआ है। 2018 में भी इस तरह के क्लैशेस हुए थे, उसके पहले भी कई बार इस तरह के क्लैशेस हो रखे हैं, लेकिन आमतौर पर असम और मिजोरम के बॉर्डर को लेकर जो क्लैश हुए हैं उनमें हिंसा कभी नहीं हुई है, वो नॉन वायलेंट क्लैशेस रहे हैं। हाँ, धरना प्रदर्शन बहुत बार हुआ है लेकिन इस तरह की हिंसक झड़पें एटलीस्ट मिजोरम और असम के बॉर्डर को लेकर नहीं हुई हैं। अब यहाँ पर जो पूरा मामला है वो असम के इतिहास से रिलेटेड है, तो हम थोड़ा असम के मैप को देखेंगे। आज का जो असम राज्य है वो कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। पहला बॉर्डर है भूटान के साथ, दूसरा बॉर्डर है यहाँ पर बांग्लादेश के साथ और तीसरा बॉर्डर भी यहीं पर है विथ बांग्लादेश। तो 2 देशों के साथ असम का बॉर्डर है और 3 अलग-अलग इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। लेकिन अगर आप राज्यों को देखें तो असम का बहुत सारे भारत के दूसरे राज्यों के साथ भी बॉर्डर है। तो पहला है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, दूसरा है मेघालय का बॉर्डर, तीसरा है अरुणाचल और असम का बॉर्डर, चौथा नागालैंड, पाँचवा मणिपुर, छठा मिजोरम और सातवां यहाँ पर सबके साथ ही है त्रिपुरा। तो ऑलमोस्ट। 7 राज्यों के साथ असम अपनी सीमाएं शेयर करता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है? तो आपको मुझे बताना है उस स्टेट का नाम जो अपनी बॉर्डर्स 9 अन्य राज्यों के साथ शेयर करता है। एक हिंट मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर बहुत बड़ा कि ये ऐसा राज्य है जो 9 अदर स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो असम की जो बाउंड्रीज हैं उनकी लेंथ आप याद रख लीजिए, अगर आप असम से हैं, असम पीसीएस का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर है वो 267 किलोमीटर, भूटान वाला 265 किलोमीटर का बॉर्डर है। और अगर आप इंटर स्टेट बॉर्डर एरियाज़ देखते हैं तो असम नागालैंड इज़ 512 किलोमीटर, अरुणाचल इज़ 804। आप पढ़ लीजिए पॉज करके, किलोमीटर मैं आपको सारे बोलने नहीं वाला हूँ। याद रखने लायक पॉइंट यहाँ पर क्या है कि कौन से बॉर्डर्स डिस्प्यूटेड हैं। तो असम का अपने 7 में से 4 बॉर्डर्स पर डिस्प्यूट चल रहा है। पहला है मेघालय के साथ जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड है, नागालैंड के साथ डिस्प्यूटेड है, अरुणाचल प्रदेश के साथ डिस्प्यूटेड है और चौथा मिजोरम के साथ डिस्प्यूटेड है। अब इसमें से अरुणाचल और नागालैंड के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेघालय के साथ ये बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और सेम प्रोसेस मिजोरम के साथ भी किया जा रहा है कि दोनों राज्य आपस में बातचीत करके बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी इन दोनों के साथ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। और इनफैक्ट असम और नागालैंड को लेकर जब भी बॉर्डर क्लैशेस होते हैं
यानी कि सिविलियंस के बॉर्डर क्लैश होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ती है। तो ये सिविलियन क्लैशेस बहुत हिंसक रहे हैं ऐतिहासिक तौर पर, नागालैंड और असम के बॉर्डर क्लैशेस काफ़ी वायलेंट रहे हैं। तो याद रखिएगा चार बॉर्डर हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय, जो डिस्प्यूटेड हैं। डिस्प्यूटेड कौन से नहीं है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मणिपुर। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये टेरिटरीज ब्रिटिश टाइम में भी अलग थी, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन अलग हुआ करता था। ओके, अब थोड़ा सा हम इस बॉर्डर की बात कर लेते हैं, मिजोरम और असम का जो बॉर्डर है। तो मिजोरम में अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैप देखें तो यहाँ के जो तीन नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, ममित, कोलासिब और आइजोल, ये तीन डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं बाउंड्री अपनी असम के साथ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ममित डिस्ट्रिक्ट, ये है कोलासिब डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आइजोल डिस्ट्रिक्ट, ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री शेयर होती है। और अभी जो क्लैशेस हुए हैं वो मेनली इस शहर में हुए हैं, वेरियांगते नाम का ये टाउन है बॉर्डर पर, बिल्कुल यहाँ पर ये क्लैशेस हुए हैं। अगर हम असम की तरफ से देखें तो असम की तरफ से भी तीन डिस्ट्रिक्ट हैं, करीमगंज, हाइलाकांडी और कचार डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा कचार डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है सिलचर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सिलचर। क्या आप जानते हैं सिलचर किस नदी के किनारे बसा है? अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं असम की तरफ से और ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं मिजोरम की तरफ से, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और वेरियंगते में ही ज़्यादातर क्लैशेस अभी देखे गए हैं। और एक और चीज़ हुई है, इन क्लैशेस के बाद ये जो हाईवे है इसको असम की तरफ से लोगों ने, सिविलियंस ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। तो मिजोरम में एंट्री करने के लिए ये दो में से एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है, तो इसको ब्लॉक करने से मिजोरम में सप्लाईज भी अफेक्ट हो सकती हैं। तो एक तरफ है वेरियंगते और दूसरी तरफ है असम का लैलापुर नाम का टाउन। तो यहाँ पर लैलापुर से ऐसा एलिजेडली ये कहा जा रहा है कि लैलापुर में इस हाईवे को ब्लॉक किया जा रहा है। अब ये फ्लेयर अप 9 अक्टूबर को शुरू हुआ था, तो 9 अक्टूबर को ऐसा बताया गया कि असम के कुछ ऑफिशियल्स, वहाँ के ऐसा आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो करीमगंज के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके अधीन एक ऑफिशियल पार्टी ने जाकर मिजोरम के लोगों के द्वारा बनाई गई कुछ फार्म हाउसेस को या फिर हट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओके, और वो इसलिए क्योंकि वो जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है वहाँ पर बनाई गई थी। 17 अक्टूबर को फिर से एक बड़ी झड़प होती है और यहाँ पर भी इसी तरह की घटना होती है, आगजनी होती है। अब देखो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली किसी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं डाल रहा पर्सनली, क्योंकि अभी तक स्थिति स्पष्ट वहाँ पर नहीं है। और जो भी लोकल न्यूज़ रिपोर्ट्स आती है उसमें होता ये है कि देखो जो मिजोरम की तरफ से रिपोर्ट आएगी उसमें मिजोरम के फेवर की बात आती है और जो असम से आती है वहाँ पर असम के फेवर की बात आती है। मैं बस आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ क्लैशेस हुए हैं और उनके पीछे शुरुआती रीज़न ये था कि दोनों क्लेम कर रहे थे कि ये जो हट्स बने हुए हैं या फिर ये जो घर बने हैं ये हमारे एरिया में या फिर हमारे राज्य की सीमा में बन गए हैं। ओके, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि इसमें ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं, तो ऑफिशियल्स की देख रेख में ये हट्स को तोड़ा गया या फिर उनमें आग लगाई गई। और उसके बाद वेरियंगते टाउन में काफ़ी झड़पें हुई, लैलापुर और वेरियंगते के जो लोग हैं उनमें आपस में भी झड़प हुई और पुलिस फोर्स जो है वो भी वहाँ पर एक दूसरे के राज्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पुलिस फोर्स ने हमारे राज्य के लोगों पर पथराव किया या फिर उन्हें चोट पहुँचाई और अब वो हाईवे ब्लॉक्ड है। तो इस तरह के फोटोग्राफ्स भी कुछ आए हैं जो हट्स जलाए गए हैं उनकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। लेकिन हमारा यहाँ पर मेन मकसद ये है कि इस डिस्प्यूट के पीछे के ऐतिहासिक कारण को समझना। तो देखो जब ब्रिटिश टाइम था उस समय असम एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, तब आज के जैसा नक्शा नहीं था, तब असम कुछ इस प्रकार का नज़र आता था। तो अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो ये जो आपको डार्क कलर में नज़र आ रही है ये पूरी टेरिटरी असम की है, केवल एक मणिपुर किंगडम अलग था और त्रिपुरा का जो किंगडम है ये दोनों प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, तो ये अलग थे। तो ये दो आज भी भारत के राज्य हैं, बाकी पूरा एरिया इंक्लूडिंग अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब असम के अधीन आता था। आज़ादी के बाद धीरे धीरे ये अलग राज्य बनते गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ब्रिटिश रूल में मिजोरम को कहा जाता था लुशाई हिल्स और ये असम का एक पार्ट था। अब ब्रिटिश टाइम में दो अलग अलग बाउंड्रीज बनाई गई थी, ठीक है, दो बाउंड्री नोटिफिकेशंस लाए गए थे और यही सारा डिस्प्यूट का जड़ है। 1875 में एक बाउंड्री ने नोटिफाई किया किसका एरिया, लुशाई हिल्स और कचार के बीच का एरिया। देखो कचार यानी कि जो सिलचर वाला एरिया है इसमें ये प्लेन्स एरिया है और जो मिजोरम है वो हिली एरिया है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर बाउंड्री नोटिफाई करी गई थी, कचार हिल्स और लुशाई हिल्स के बीच में, कचार प्लेन्स और लुशाई हिल्स के बीच में वाया दिस 1875 बाउंड्री नोटिफिकेशन। मिजोरम इसको आज भी फॉलो करता है क्योंकि इसके अनुसार उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लैंड मिल जाता है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो उनके एरिया में दिखाई गई है, लुशाई हिल्स में दिखाई गई है और लुशाई हिल्स ही आज मिजोरम राज्य है। लेकिन 1933 में एक दूसरा बाउंड्री नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें लुशाई हिल्स और मणिपुर की बाउंड्री को डीमार्केट किया गया था। अब इसी मैप में ये बाउंड्री असम के साथ यानी कि जो कचार वाला रीजन है उसके साथ भी डीमार्केट करी गई। देखो मैं रफली बना रहा हूँ मैप पर, एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं बना रहा, ठीक है। तो इसमें किसे फ़ायदा था, जो कचार वाला एरिया है उसको थोड़ा ज़्यादा ज़मीन मिल गया,
तो आज भी असम राज्य जो है वो इस 1933 वाले नोटिफिकेशन या डीमार्केशन को फॉलो करता है, और मिजोरम राज्य फॉलो करता है इस 1875 वाले नोटिफिकेशन को। तो सारे झगड़े की जड़ यही है, क्योंकि इसमें किसको ज़्यादा टेरिटरी मिल रही है, मिजोरम को, और इसमें असम को ज़्यादा टेरिटरी मिल रही है। अब भारत की आज़ादी के बाद भी देखो असम का ही हिस्सा रहा था, मिजोरम तो इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री थी, इतना मेजर कोई लड़ाई झगड़े के लिए पॉइंट नहीं था, क्योंकि मिजोरम असम का ही एक हिस्सा था 1972 तक। 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब भी इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 1980s में जब बात उठी कि मिजोरम को एक फुल फ्लेजेड राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो देखो जब राज्य बनता है तो प्रॉपर उसकी बाउंड्री डिमार्केट होती है, और ऐसे में 1987 में जब मिजोरम राज्य बना तो उस समय से ये बाउंड्री डिस्प्यूट फिर से बहुत बढ़ गया, और ये समय समय पर कुछ सालों में फ्लैरअप होता रहता है, इस तरह की झड़प वहाँ पर होती रही है। तो 1994 के बाद से कई बार बातचीत हो चुकी है असम और मिजोरम की राज्य सरकारों के बीच में, और इन्होंने अभी तक बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं किया है, लेकिन इतनी बात कर दी है कि कम से कम हम स्टेटस क्यो मेंटेन रखेंगे। तो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, नो मैंस लैंड है, उसमें इन्होंने तय किया कि कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई गांव नहीं बसाएगा, कोई शहर नहीं बसाएगा, इतना स्टेटस क्यो मेंटेन रखो। लेकिन होता क्या है ना, देखो जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करने चले जाते हैं इस नो मैंस लैंड में भी, तो अभी ये जो वायलेंस है ये इसलिए भड़का क्योंकि जो खेत होते हैं वहाँ पर अब खेती कोई करने जा रहा है तो उसको कुछ तो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर चाहिए, तो यही टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर दूसरे राज्य आपत्ति उठाते हैं इन पर, और इन्हीं को अभी तोड़ा गया है, डिमोलिश किया गया है, या फिर उनमें आग लगाई गई है। तो अभी आरोप ये था कि जो लैलापुर के लोग हैं, यानी कि जो असम के लोग हैं, उन्होंने मिजोरम की ज़मीन पर या फिर इस नो मैंस लैंड पर जाकर टेम्प्रेरी हट्स बना दिए, और इसी तरह की समय समय पर कंप्लेन असम भी करता रहता है कि मिजोरम के लोग आकर इस नो मैंस लैंड पर खेती कर रहे हैं। तो मिजोरम मानता है कि हमारे लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई परमानेंट सेटलमेंट ये नहीं कर रहे हैं, जबकि असम कहता है कि ऑन रिकॉर्ड ये ज़मीन तो हमारी ही है, तो अगर वहाँ पर कुछ हट्स बन भी रहे हैं तो इट शुड नॉट बी एन इशू। एक और एंगल यहाँ पर बांग्लादेश से आने वाले इमिग्रेंट्स का भी है। अब क्योंकि करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जो है ये बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, और यहाँ पर बहुत इमिग्रेशन हुआ भी था 1970s में, 1960s में, तो मिजोरम के लोग या मिजोरम के कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स अब ये क्लेम करते हैं कि ये जो बांग्लादेशी लोग हैं इन्हें ज़मीन नहीं मिलती, तो ये आकर यहाँ पर मिजोरम वाले एरिया में खेती करना चाहते हैं, या फिर जो नो मैंस लैंड है वहाँ पर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर खेती कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने बातचीत करके गृह मंत्री के साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लिया है, हिंसा को सुलझा लिया है, शांत करवा दिया है, लेकिन जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। ओके, सो ये था पूरा डिस्प्यूट बाउंड्री का। अरे बस ना, ब्रिटिशर्स ने ना यहाँ जब इंडिया को छोड़ के गए हो तो बड़े सारे डिस्प्यूट उन्होंने जो है वो क्रिएट कर दिए जो अब तक इंडिया झेल रहा, जैसे कि वो चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है LOC के पास वाला, और जो है पाकिस्तान के साथ भी एक डिस्प्यूट है, वो पाकिस्तान के साथ तो चलो कश्मीर का तो है ही, उसके अलावा एक और डिस्प्यूट भी है जो गुजरात की तरफ है, तो वहाँ पर भी जो है सेम ही है। मतलब ब्रिटिश ने जो है वो पहले एक लॉ निकाला जिसमें शायद जिसके अकॉर्डिंग शायद मतलब इंडिया को मतलब जगह मिलती है, एक्स्ट्रा जगह मिलती है, और फिर दोबारा एक निकाला फिर जिसके अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान को ज़्यादा मिलती है, तो सेम इशू था वहाँ पर भी। गुजरात के पास का एरिया है, पता नहीं मुझे वो याद नहीं है, पर वहाँ पर भी एक डिस्प्यूट इसी तरह का है बिल्कुल सेम, और अब एक जो है डिस्प्यूट यहाँ पर भी है, और काफ़ी क्लैश हुए। और जैसा कि इस वीडियो में कहा कि पहले जो क्लैश हुए हैं उसमें वो वॉलेंट नहीं थे, पर ये वाला वॉलेंट था, लोगों की जान जान भी गई आई थी, और पता नहीं मुझे कहा था कि जो है दोनों स्टेट्स की पुलिस भी आपस में वो लड़ गई है, पर इस वीडियो में तो ऐसा कुछ जो है बोला नहीं है। देखते हैं, पता नहीं, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने भी सुना था मैंने, तो शायद वो किसी और वीडियो में होगी। चलो कोई ना, मैं अभी वो वीडियो भी जो है देखता हूँ, क्योंकि इसमें जो पुलिस की बात जो है की नहीं है। बाकी जो भी डिस्प्यूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फटाफट रिजॉल्व जो है करवा देना चाहिए, दोनों स्टेट से जो वो बात करके, क्योंकि ऐसे तो ये डिस्प्यूट जो है चलता रहेगा, और वो जो एरिया है जो नो मैंस एरिया है वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट होती है तो दूसरी स्टेट प्रदर्शन करेगी, तो उस एरिया की
डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल पूरे रीजन की शांति के लिए इसका इस डिस्प्यूट को सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फटाफट कुछ या कुछ करना चाहिए, दोनों स्टेट्स के सीएम से बात करके। और एक बात बिल्कुल नई मालूम पड़ी मुझे कि आसाम बहुत बड़ी स्टेट था पहले, सही में इतनी बड़ी स्टेट, अब से अभी काफ़ी बड़ी स्टेट है पर इससे भी सही हो, 1972 तक था। ये कुछ नए फैक्ट्स मुझे मालूम पड़े। चलिए ये था वीडियो। आप वेट कीजिएगा, मैं दोबारा से कोई क्लैश वाली वीडियो पे भी वो मतलब कोशिश करूँगा कि मुझे कोई वीडियो मिल जाए तो उसको भी मैं देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।